हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखें SSC GT 2021 के लिए रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी कंपटीशन एग्जाम के रहने वाला है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए 180 में किस संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों 180 किस संख्या से गुणा करें, आपको क्या करना, गुणा। तो पहले इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं कि आपको मालूम पड़ जाए किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, है ना। देखो 2 से लगा 2 9 18, फिर 2 से लगाया कितना आया, 45 आया। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 1, यानी कि इसके गुणनखंड कितने हो रहे हैं, 180 के जो गुणनखंड हो रहे हैं 2 × 2 3 × 3 × 5, है ना। अब दोस्तों कितने गुणनखंड हो रहे, देखो अब अपनों बनाना पूर्ण वर्ग बनाना, क्या बनाना, वर्ग। तो वर्ग बनाने के लिए दो दो के जोड़े बनेंगे कि इनका एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, और यहाँ केवल 5 अकेला है, 5 अकेला है। अब अपनों को चाहिए वर्ग, वर्ग बनाने के दोस्तों इस 5 में 1 5 का और अगर गुणा होता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता, ठीक है। तो किसका गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 5 का, यानी कि सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अपना क्वेश्चन है कि 5292, अब इसको किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए। अब इसमें क्या है, भाग देना, इसमें वही करना पड़ेगा कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब भाग देंगे पर अब ऐसे नहीं दे सकते, किस संख्या से भाग देंगे पूर्ण वर्ग बन जाए। देखते हैं 2 से लगाया तो 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, फिर 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा दोस्तों, मम्मी का क्यों ले आया, 3 से देखते हैं, 3 4 12, 3 4 14, 3 से जाएगा 3 4 12, 3 4 12, 3 1 3, फिर 3 से लगेगा 3 1 3, और 14 हो गया तो 3 4 12, 12 2 बचे, 21 3 7 21, अब 3 से लगेगा तो 3 4 12, 3 9 27, 7 7 49, 7 1 7। देखिए दोस्तों देखते हैं, देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 3, तो 3 बार आया, ठीक है, और 7 2 बार आया। अब ये कह रहा है कि किस संख्या से भाग दे, इसमें क्या करना, भाग देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा कि पूर्ण वर्ग बन जाए। वर्ग बनाने के लिए दोस्तों इन दोनों का तो एक जोड़ा बन रहा, 3 और 3 का एक जोड़ा बन रहा, और 7 और 7 का जोड़ा बन रहा है, 1 3 ऐसा है जो अलग बच रहा है, अलग बच रहा है। अगर इसी 3 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो जो संख्या बनेगी वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि संख्या 3 से भाग लगा दे और जो उत्तर आएगा उसका अगर वर्ग निकाले तो निश्चित उसका पूर्ण वर्ग निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 69120 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। अब दोस्तों याद रखिए घन में किस किस के जोड़े बनते हैं, 3 3 के जोड़े बनते हैं, कितने जोड़े बनते हैं, 3 3 के जोड़े बनते हैं। ऑप्शन ऑप्शन में 2 3 5 7, तो किस संख्या से बनेगा, आप इसके लिए आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।